अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं तौकीर अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर वाव के साथ। जी नाज़रीन, मैं एक सिंध के शहर ढेरकी से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पे हमारे ज़िले में एक कच्चे के नाम से जो है डाकुओं का गढ़ मौजूद है, जहाँ पे हर साल जो है एक अब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन होता है। और वहाँ पे डाकुओं का तो तकरीबन कम ही नुकसान होता है, मगर गरीब सिपाहियों जो पुलिस के सिपाही हैं उनका जो है नुकसान ज़्यादा होता है। तो इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है कि इस बार कच्चे में ऑपरेशन तो नहीं चल रहा था, मगर ऐसे ही कुछ तैयारी की गई थी, जहां पे कुछ पुलिस एहलकार जो है ड्यूटी पर जा रहे थे तो रात को उन पर हमला हुआ और ये तीन जो है एहलकार शहीद हो गए। तो इनकी शहादत का हमें बड़ा दुख हुआ। ये बेचारे कहां कहां से जा रहे थे अपने बच्चों की रोज़ी रोटी के लिए और उन्हें शहीद किया गया। ये तीन एहलकार शहीद नहीं हुए, बल्कि ये जो है तीन घर तबाह हो गए, उजड़ गए। और ये इस बार ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर साल जो है 3, 5, 10 तक जो है पुलिस एहलकार शहीद होते हैं घोटकी ज़िले में। तो इनके लिए हम खुदारा जो है हुकूमत से अपील करेंगे कि इस कच्चे में जो है ग्रैंड ऑपरेशन पुलिस को नहीं जो है पाक फ़ौज को दिया जाए, ताकि वो आकर इनसे लड़ें, क्योंकि ये जो है पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो उनसे मिले होते हैं और उनकी वजह से जो है ये सिर्फ अपने जो है एहलकार शहीद करवा कर ये बजट जो है अपना ज़्यादा लेते हैं और जो है आधा आधा करके खाते हैं, कुछ डाकुओं को देते हैं, कुछ खुद खाते हैं। और कुछ जो है जो अपने पुलिस एहलकार जिनके शहीद होते हैं उनके जो है नाम पर हुकूमत से पैसे लेकर वो जो है उन्हें डाकुओं को ही जो है हथियार जो है फराहम करते हैं। तो इनके लिए हम एक खुदारा अपील करेंगे कि इनके लिए जो है कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए। ऐसे ही अगर बेचारे सिपाही मरते रहे तो एक दिन पुलिस ख़त्म हो जाएगी और इस डर से पुलिस में कोई भर्ती भी नहीं होगा। तो हम जो है हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये पाक फ़ौज के हवाले किया जाए, ताकि वो आकर इनसे जो है मुँह धोएं इनको। जी मेहरबानी, शुक्रिया।